1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करें। मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं, मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू सॉ द 1983 वर्ल्ड कप। मेनी ऑफ अस, ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त, 1983 की बात कर रहा हूं। और सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का, पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है 83 सॉरी। कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे, फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, बड़ी खुशी थी पूरे देश में। हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम, तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स। क्रिकेट वॉज अ फीवर इंडिया, एंड एक्चुअली बिकेम अ मोर फीवर इन इंडिया आफ्टर कपिल देव वॉन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे, सुनील गवास्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। वेस्ट इंडीज वॉज अ वेरी पावरफुल टीम, 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे, और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का, और वेस्ट इंडीज की यह पावरफुल टीम, उन लोग ये लोग बैलेंस करते थे। क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है, 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेटकीपर, 6 में से 1 भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से 1 भी बॉलर को बैट्समैन बैटिंग करना आता नहीं था। स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट, दैट वॉज हिज स्ट्रेटेजी, हिज थिंकिंग, बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 ईयर्स। हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s। तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया। 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉर्ड ने सेंचुरी की थी, 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी, तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस, एंड व्हाट अ पावरफुल टीम। गार्डन ग्रीनिज और डिज़मंड हेन्स ओपनिंग आते थे, 1 डाउन रिची रिचर्डसन, 2 डाउन विव रिचर्ड्स, 3rd डाउन क्लाइव लॉयड, 4th डाउन गस लॉगी, 5th डाउन जेफ डुजॉन, 6th डाउन जियोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट, मेलकम मार्शल, ये उनके 11 थे। बड़ी ताकत वाली टीम थी। तो आए, विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे, रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के, इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस। बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स। तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया है, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में, लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे। अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी, वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए। कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए, बॉल पीछे से आ रहा था और इस ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना, ऐसा गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है जिसको कैच करना है, और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा। एंड कपिल देव्स हैंड्स वेर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, के उनके दो हाथ है ना वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी बनने की बकेट है ना, और आया, एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस। 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए। इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज
क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, सिक्स टेस्ट एंड सिक्स वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम. उसके पहले तो बी टीम आती थी, भारत में कभी क्लाइव लॉर्ड, वीव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए. ऑलविन चाल, कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए बी टीम. क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और सिक्स वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया. कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150-150 रन से हराए. बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी डेढ़ महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत. फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई, फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई, इनिंग्स एंड 250 रन्स डिफीट टू इंडिया. और उसमें मेलकम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मेलकम मार्शल. उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे, यूज टू बोल फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर मेलकम मार्शल थे. और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे, रनअप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़ते, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा बॉलर. बैट में आते करके देखना पड़ता कि पहुंचा कहां था, एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मेलकम मार्शल गेंद डालते थे. यूज टू बोल स्लैंटिंग डिलीवरीज. और पीछे डुजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके, कॉट डुजोन बॉल मार्शल, कॉट डुजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था, एक आता था एक जाता था. किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ था. सिवियर क्रिटिसिज्म इन द इंडियन प्रेस, ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर वॉज हेविली क्रिटिसाइज कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने फ्लूक बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वो बात तैयार हो गई. इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ, एटीट्यूड्स बदलना चालू किया. उसमें सबसे पहली बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की, उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. इफ मेलकम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन. इफ यू कैन बोल सो वेल, यू कैन बैट सो वेल. गावस्कर का एटीट्यूड चेंज किया बिकॉज यू स्टार्ट द इंडियन इनिंग्स, यू आर द ओपनिंग बैट. आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी, नतीजा पहले से चालू हो जाएगा. एंड गावस्कर सेड व्हाट ही वाज काउंसल्ड, चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. गावस्कर डिफेंसिव बैट्समैन थे, वे टेस्ट बैट्समैन थे, वनडे इंटरनेशनल के नहीं थे. सचिन तेंदुलकर टेस्ट और इंटरनेशनल दोनों के थे, 2020 के नहीं थे. क्रिस गेल है वो 2020 और इंटरनेशनल के है, टेस्ट के नहीं है, अलग अलग रहता है. सुनील गावस्कर को बताया गया कि चेंज योर एटीट्यूड, यू विल गेट सक्सेस. और आप जो बैट डिफेंस करते हो वो जरा स्ट्रोक क्रिएट अ स्ट्रोक ऑन एवरी बॉल. मार्शल इज अ मास्टर बॉलर, यू आर अ मास्टर बैट्समैन. द लिटिल मास्टर उनके लिए पहले नाम था. द मोमेंट गावस्कर चेंज्ड हिज एटीट्यूड, हिज बैटिंग चेंज्ड, रिजल्ट्स चेंज्ड, ओवरऑल आउटकम चेंज्ड. और 6 में से हम लोग 3 टेस्ट मैच तो फिर भी हारे, लेकिन 3 टेस्ट मैच बचा सके वो गावस्कर का एटीट्यूड अटैकिंग हुआ. इसलिए दूसरी टेस्ट थी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में, वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस एंड सेंट इंडिया इन टू बैट. और सब बुकीज ने तो ये सोच रखा था कि 7 या 8 विकेट गिर जाएगी लंच के पहले 150 में. गावस्कर का एटीट्यूड बदल दिया था, उन्होंने भी बदला था, क्या, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. वो तो डिफेंसिव बैट्समैन, 1975 की एक वर्ल्ड कप में उस वक्त वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स की थी, तो पूरी 60 ओवर खेले थे, पहला बॉल खेले थे और 60वीं ओवर का छठा गेंद खेले थे, एंड ही वाज 36 नॉट आउट. अब देख लेना स्कोर्स में, मुझे इस प्रकार के 500 स्कोर्स याद है. गावस्कर अटैक्ड मार्शल फ्रॉम डे वन, फ्रॉम बॉल वन, और पहले ही ओवर में गावस्कर ने 4 चौके मारे.
मार्शल अपनी वेस्ट पे हाथ लगा के पिच के बीच खड़े रहे और गावस्कर के सामने देख रहे। Years later, Marshall would write in his autobiography that from Firoz Shah Kotla's innings, I could see a change in Gavaskar's attitude. And that change in attitude brought out the attacking nature in his batting, and that changed the overall result, outcome of the series. Aur Gavaskar ne lunch ke pehle century banai, 107 not out. और फाइनल सिक्स टेस्ट में चेन्नई पे चेपॉक पे 236 नॉट आउट इन द फोर्थ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट टू सेव टेस्ट फॉर इंडिया। दो दिन खेले 236 बनाने के लिए, लेकिन बचा दी टेस्ट ये धरखम बॉलर्स के सामने, क्योंकि वेस्ट इंडीज बॉलर्स क्लाइव लॉर्ड की यही स्ट्रेटेजी थी, यही एटीट्यूड था, कभी बैट्समैन को रिलैक्सेशन देना ही, स्पिन बॉलिंग चालू हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है ना, गेंद थोड़ी स्लो आती है तो एवरी डिलीवरी मस्ट बी 90 माइल्स, बैट्समैन त्रस्त हो जाना चाहिए एक घंटे में तो, विकेट फेंक देना चाहिए, डेस्परेट हो जाना चाहिए, भी उनकी स्ट्रेटजी थी और चली थी 20 साल तक चली थी। इन द लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर ऑन गावस्कर इन हिज ऑटोबायोग्राफी मैल्कम मार्शल रोट, फ्रॉम दैट डे आई केम टू नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गावस्कर टू द एक्सटेंट दैट आई कैन राइट टुडे, and he writes that it is easy to steal the Taj Mahal from India than to get through the straight defenses of Gavaskar. वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि भारत में से अगर ताज महल चोर के ले जाना है ना तो लेकर सकते हैं, लेकिन गावस्कर का जो स्ट्रेट बैट डिफेंस है उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है।